हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। हमने आगे के पार्ट में हमने इसका जो चीज़ें थी यहाँ पर ट्रैक्स की वो हमने क्रिएट की थी। अब कुछ आगे की जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाकर इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बोल्ट है ये बोल्ट को मैं कॉपी करके ऑल्ट ए प्रेस करके मैं अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर इसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। एक और डुप्लीकेट जो है वो इसकी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे पुश करता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और मॉडलिंग में जाएंगे, स्विफ्ट लूप में जाता हूँ और यहाँ पर एक लूप प्लेस कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाएंगे और पॉलीगन्स को थोड़ा सा बाहर की साइड हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर पुश कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो पार्ट है जो कनेक्टेड है वो ये वाला है यहाँ पर। सो इसके पहले यहाँ पर जाकर एक क्लैंप क्रिएट करेंगे या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ पर जाते बॉक्स के ऊपर, एक्चुअली ये बॉक्स से ही कनेक्टेड है सारा। सो बॉक्स में जाएंगे, ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ मैं, एक ऑटो ग्रिड ऑन कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, रिंग करता हूँ एज को और यहाँ से चैम्फर दे देता हूँ और इसे हम यहाँ से ओके करेंगे, राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट करेंगे और इसी को मैं यहाँ से एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ। सो आप यहाँ पर अगर चलेंगे यहाँ पर टॉप व्यू में जाता हूँ। सो टॉप व्यू में जाकर इसे थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजअप करेंगे, मैं एक लाइन टूल लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ करेंगे और लाइन जो है वो हम लाइन को इसके पास थ्रू करेंगे। सो ये लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यूपोर्ट करके इसे मैं ऊपर शिफ्ट करके इसकी जो थिकनेस है वो मैं यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ। सो लाइन के वर्टाइसेस आगे पुल करता हूँ और इसकी इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर जहाँ जहाँ पे आपको सो पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए, एक्सट्रूड कीजिए बाय पॉलीगन करके ओके कर लीजिए, इसे भी ओके कर लीजिए। सो वर्टेक्स से मैं इसे यहाँ पर इजीली पुश कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाएंगे, एक और कॉपी इसी के हम एक और कॉपी जो है वो प्लेस इस तरह से कर सकते हैं। सो इसे मैं यहाँ पर जाकर एक बॉक्स लेता हूँ, मैं एक यहाँ पर
सो ये बॉक्स जो है वो हम इसे यहाँ पर प्लेस कर लेंगे इस तरह से। एक और कॉपी लेंगे, अब यहाँ पर टॉप व्यू में जाएंगे, एक लाइन लेता हूँ, और लाइन लेने से पहले यहाँ पर बॉक्स की एक कॉपी हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू पॉली करेंगे, स्केल करेंगे, थोड़ा सा इसे बाहर पुश करेंगे, स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस करेंगे, पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा स्लाइट एक्सट्रूड करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ऑल्ट ए प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ, यहाँ पर प्लेस करने से पहले यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, ओके करेंगे और इसकी डुप्लीकेट जो है वो यहाँ पर इस तरह से प्लेस करेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर जाएंगे, टॉप व्यू में जाएंगे, सो टॉप व्यू में के बदले हम यहाँ से फ्रंट व्यू में जाकर एक लाइन लेंगे यहाँ से इस तरह से और इसको यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। सो ये जो लाइन रहेगी वो आपकी इस तरह से यहाँ से डेफिनेटली वो आपकी कनेक्टेड रहेगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हैं यहाँ पर। सो इसकी एक और डुप्लीकेट जो है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, वर्टेक्स में जाता हूँ, थोड़ा सा बाहर पुश कर लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ, एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, बॉक्स को यहाँ पर प्लेस करेंगे, कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, एज में जाएंगे और इसे मैं चैम्फर दे देता हूँ यहाँ से, सिलेंडर लेंगे, ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ और यहाँ से सिलेंडर को इसके थ्रू पास कर लेता हूँ। सेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, प्रो बुलियन, स्ट्रक्ट और इसे सबट्रैक्ट करता हूँ, सेव कर लीजिए पहले फाइल, आप इस तरह से इसे ऐसे आप सबट्रैक्ट करवा सकते। सो इसे मैं यहाँ पर जाकर यहाँ से इस तरह से इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, टॉप व्यू में जाएंगे, ऑटो ग्रिड ऑफ करता हूँ और इसे मैं
यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। एनीवेज आप इसे थोड़ा सा इस तरह से प्लेस अप करवा सकते हैं। काफी छोटी फाइन डिटेल्स है। अब यहां पर जाएंगे, ये हमारा हुआ। अब यहां पर जाकर कुछ इस तरह से करेंगे। सो इसके लिए सेम यहीं पे जाएंगे, लाइन टूल लेता हूं, स्प्लाइन में जाता हूं। ओके, सो इस तरह से आप प्लेस अप कर लीजिए और इसे यहां तक पुश कर लीजिए ऐसे। सो वर्टाइसेस में जाकर इसे थोड़ा मैं ऊपर प्लेस कर सकता हूं। इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसे मैं यहां पर जाकर फिलेट दे देता। सो फिलेट दे दीजिए। सो फिलेट देने के बाद वर्टाइसेस में जाएंगे, थोड़ा सा बाहर पुश करेंगे इसे और यही जो है इसी को मैं यहां से एक मिरर कर लेता हूं। मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। सो आप इसे थोड़ा ऊपर पुश कर सकते हो आप। सो इसी की डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक यहाँ पर, शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी बना लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर जाकर कॉपी कर लेता हूँ तो यहां पर जाएंगे, इस तरह से प्लेस करता हूं इसे। और आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ वर्क इसके ऊपर भी करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। सो के पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए। पहले मैं इसकी जो एजेस है, जो रिक्वायरिटी है, वो रिमूव करेंगे कंट्रोल बैकस्पेस करके। स्लाइट एक्सट्रूजन करेंगे और आपको लगता है मुझे इस तरह से एक्सट्रूजन करना है तो मैं इस तरह से एक्सट्रूजन कर सकता हूँ। इसे डिलीट करेंगे, सेम शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेंगे। टॉप व्यू में जाता हूं, एक सिलेंडर लेंगे यहां पर जाकर, सो सिलेंडर को मैं यहां पर प्लेस कर लेता हूं। सो इसे मैं यहां पर पुट करता हूं, इसे मैं यहां रखता हूं।
सेव कर लेंगे। सो कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, पहले कन्वर्ट टू पॉली करेंगे इसे। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, प्रो बुलियन, सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन रखा है। सो स्टार्ट पिकिंग करके इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगेन मटेरियल में जाके जस्ट एक टेक्सचर इस तरह से जनरेट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाकर एक और सिलेंडर ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ और साइड्स कम कर लेता हूँ और इसकी जो हाइट है वो बढ़ा देता हूँ और इसकी डुप्लीकेट यहाँ पे भी कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जाएंगे, इसे मैं पुश ऑन करता हूँ, यहाँ पर इसे अंदर पुश कर लेता हूँ। सो स्विफ्ट लूप, कहीं कहीं अगर आपको स्विफ्ट लूप यूज करना है आप वहाँ पर जाकर इसे थोड़ा थोड़ा आप एक्सट्रूजन दे सकते हो। सो डिटेल्स हमने यहाँ पर इस तरह से जनरेट किए। सो यहाँ पर चलेंगे, टॉप व्यू में जाऊंगा, यहां पर जाकर एक लाइन टूल में जस्ट ड्रैग कर लेता हूं। सो जस्ट ड्रैग इट, इसे आप इस तरह से अंदर ड्रैग कर लीजिए और आप इसको यहाँ पे प्लेस कीजिए। एक लाइन टूल ले लेता हूँ, ये लाइन टूल को मैं सेलेक्ट करके एनेबल इन व्यूपोर्ट कर लेता हूँ। इसकी जो थिकनेस है वो डेफिनेटली कम कर लेंगे यहाँ पर जाकर। से काफी ज्यादा और डिटेल्स भी हमें जनरेट नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, सो हमारा जो बेसिक जो भी डिटेलिंग पार्ट थी वो हमने सारी यहाँ पर इस तरह से जनरेट कर ली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और इसे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर आप कुछ डुप्लीकेट्स करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे जिस तरह से स्केल डाउन किया है, आप एक्सट्रूड करके स्केल डाउन कर सकते हो, जिस तरह से आपको करना हो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो।
सो वर्टेक्स में जाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा फिलेट दे देंगे। दैट्स इट, सेव कर लीजिए। मटेरियल में जाइए और एक मटेरियल असाइन कर लीजिए। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमने ये डिटेल्स यहाँ पर क्रिएट कर ली। आप देख सकते हैं ध्यान से जो डिटेल्स हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। वो सारी डिटेल्स इसे मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे मैं 90 डिग्री में रोटेट अप कर लेता हूँ। इसे मैं सेम जो डुप्लीकेट आपको करना है वहां से कॉपी कर लीजिए, सेव कर लीजिए। सो गाइज, हमने इस तरह से ये चीजें जनरेट अप की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।